नमस्कार, मैथ्स कम्युनिकेशन बेसिक ट्यूटोरियल क्लास में मैं अंशुसेना आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज वीडियोस में आने का एक रीज़न ये है कि मैं कई दिनों से वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। कुछ रीज़न थे, कुछ मशरूफियत चल रही थी और इस बीच में कई चीज़ें में मैं उलझ गई थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को, और सबसे दूसरी बात यह है आने की, क्योंकि इस बीच में आप लोगों ने मुझसे लगातार मेरे संपर्क में रहे। मैं वीडियोस नहीं भी डाल रही थी बट फिर भी आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ रही थी, उनकी रिप्लाई भी की जा रही थी और कई लोगों का ये भी कंसर्न था कि मैं कब नई वीडियो पोस्ट करूँगी। तो ये छोटा सा एक स्नीक पीक काइंड ऑफ वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि हो जाइए तैयार, कल से नए वीडियोज़ आएँगे आपके लिए मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो ये रीज़न था मेरा आप लोगों के साथ आज संपर्क में आने का। दूसरा रीज़न ये था कि मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने इस बार नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। उन्होंने पहले तो IMC के रिजल्ट्स आए जिसमें आप लोगों ने IMC से रिलेटेड अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर की, और अब नेट से रिलेटेड भी मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स ने बताया कि उनका इस बार का नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। तो उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत खुशी हुई आपकी सक्सेस स्टोरी को जानकर, आपकी आपके निरंतर प्रयास के कारण आज आप सफल हुए। लेकिन जो लोग सफल नहीं हुए गाइस, प्लीज़ आप डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि ज़िंदगी में जो फेलियर्स होते हैं ना, उनका एक अपना ही रोल होता है प्ले करने का आपकी कंप्लीट ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। कभी आप फेल नहीं होंगे, कभी आपको झटके नहीं लगेंगे, कभी आपको ज़िंदगी के सेटबैक्स नहीं मिलेंगे, तो आप अपनी कहानी किसको सुनाएंगे, क्या बताएंगे? कल अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो स्टेज पर चढ़ के आपके हाथ में माइक होगी तो आप अपनी कहानी क्या बताएंगे? हर चीज़ ईजी नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है हमें किसी एक चीज़ को अचीव करने में, और उस चीज़ को अचीव करने में हमें 2 से 3 बार, बहुत बार हमें फेलियर्स को फेस करना पड़ता है। बट फेलियर इज़ कह सकते हैं वो फर्स्ट चैप्टर होता है आपकी सक्सेस का, वो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी फाउंडेशन इतनी ज़्यादा, वो आपको आपकी नींव को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि कल होकर आप हर तरीके के चीज़ों को, फेलियर्स के वो देखने के बाद आप इजीली चीज़ों को लेंगे, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी आपको लगातार फेलियर्स की। तो फेलियर्स का एक अपना ही रोल है, एक अपना ही आनंद है। तो जिन लोगों का इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ, इसको आनंद उठाएं और सेलिब्रेट करें आप अपने फेलियर को भी, क्योंकि फेलियर्स को भी सेलिब्रेट करना उतना ही ज़रूरी है ताकि आपको हमेशा याद रहे कि अगली मैंने अपनी फेलियर्स को कैसे सेलिब्रेट किया था। ठीक है, उदास रहना और अपने आप को कोसना, अपने आप को 4 गालियाँ देना, आई थिंक ये बहुत इजी काम है, हर लोग करते हैं ये। तो क्यों ना हम कुछ नया करें, क्यों ना कुछ हम ऐसा करें जो हमें हमेशा याद रहे, हम अपनी डायरी में लिख सकें, हम 4 लोगों को बता सकें कि हमने अपने फेलियर्स को कैसे इन्जॉय किया है। तो प्लीज़ अपने फेलियर्स को इन्जॉय करें और इस इन्जॉयमेंट के साथ फेलियर्स को इन्जॉय करें कि अगली बार आप ये केक कटिंग ने सक्सेसफुल होकर सेलिब्रेट करें। ठीक है, तो फेलियर का भी सेलिब्रेशन बनता है और सक्सेस का भी सेलिब्रेशन बनता है, और हर फेलियर आपको बहुत सीख देता है, और हर फेलियर के बाद आप 10 पॉइंट ऐसे नोट करें जो आपको ये बताए कि आप इस बार फेल क्यों हुए। हर चीज़ का एक लूप होल होता है, हर फेलियर के पीछे 10 रीज़न्स होते हैं। सो ट्राई टू नोट डाउन योर लूप होल्स एंड योर कम्प्लीट सेटबैक्स, क्या 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 प्रॉब्लम्स रहे, क्या क्या चैलेंजेस थे जो आप नहीं कर पाए और बाकी सामने वाले पर्सन ने कर लिया। हो सकता है 2 पर्सन जो ऑलमोस्ट एक पोटेंशियल के हैं, ऑलमोस्ट एक जैसी पढ़ाई है, एकदम सेम ड्यूरेशन में पढ़ाई की, लेकिन उसका निकल गया और आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, तो इसके पीछे की भी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक स्मार्ट स्टडी होती है, शायद वो आप नहीं समझ पाएँ और आपने बहुत ही पौराणिक तरीके से, स्टीरियोटाइप तरीके से पढ़कर एग्ज़ाम दिया होगा। तो इसीलिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड स्मार्ट स्टडी बोथ आर नीडेड टू क्वालिफाई एनी एग्ज़ाम। तो ये मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जिनका नहीं निकला, फेलियर भी बहुत पावरफुल होती है और इसको हल्के में ना लें,
इसको इन्जॉय करें, और यहाँ ध्यान रखें कि आपकी फेलियर आपकी कितनी बड़ी ताकत बन सकती है। ठीक है, हम अपनी फेल हम हमेशा अपने सक्सेस को अपनी ताकत बनाते हैं, लेकिन आप अपनी फेलियर को अपनी ताकत बनाएं, अच्छे से एग्ज़ाम दें, इस बार फिर से प्रिपेयर करें, और इतना प्रिपेयर करें और उस 10 पॉइंट्स को नोट डाउन करें जो सामने वाले ने किया और आपने नहीं किया। वो क्या 10 पॉइंट्स हो सकते हैं? कम पढ़ाई, स्ट्रैटेजी की कमी, या फिर समय का मैनेजमेंट नहीं हो पाया, एग्ज़ाम के पेपर में आपका कॉन्फिडेंस हिल गया, पढ़ी हुई चीज़ें आप दिमाग से भूल गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम पढ़ते भी बहुत हैं, एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाता, इसके पीछे के भी 1000 रीज़न होते हैं। तो ट्राई टू फिगर आउट दोज रीज़न्स एंड ये कोशिश करें कि फिर से एग्ज़ाम दें, और इस बार ऐसा एग्ज़ाम दें कि क्वालिफाई तो दूर आप एकदम स्टेट टॉपर निकलें। तो ये पढ़ाई होती है जो हमेशा हमें ज़िंदा रखती है। और दूसरी बात ये, जो ये सोचते हैं कि एक एज के बाद हम नहीं पढ़ पाएंगे, एक एज के बाद चीज़ें याद नहीं रहती हैं, एक एज के बाद एग्ज़ाम देने का मन नहीं करता है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ें खो रहे हैं जिसका आपको इक्वल राइट बनता है। तो इसीलिए अगर ऐसा सोचने लगेंगे तो बड़ी बड़ी कथाएं, बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ ऐसी ही रह जाएंगी, फिर कभी कोई नहीं लिख पाएगा। एग्ज़ाम में एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए ये एग्ज़ाम दिया जाता है। आई थिंक सबसे ज़्यादा एज लिमिट इस एग्ज़ाम में है, तो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएँ और जमकर तैयारी करें इस बार, जमकर। तो इसीलिए जिनका नहीं भी हुआ उनको भी कॉन्ग्रेट्स, जिनका हुआ उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लाइक मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, और मेरे स्वस्थ होने की कामना करें, मैं जल्दी से स्वस्थ हो जाऊं और जोश खरोश के साथ वीडियोस लेकर आऊं। और एक और रीज़न है कि मेरे वीडियो को 4000 सब्सक्राइबर्स भी मिल गए, यानी मेरी फैमिली अब 4000 सब्सक्राइबर्स की हो गई है। बहुत खुशी की बात है, शायद इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो गाइस, इस खुशी में आई थिंक आप बहुत लोगों के लिए 4000 बहुत छोटा मार्जिन होगा, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है 4000। चाहे 4000 जुड़ना लोगों का मुझसे, मुझे मैसेजेस करना, कमेंट्स करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस चीज़ को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के लेकर चलती हूँ। तब मैं ठीक होती तो शायद मैं थोड़ा सेलिब्रेट करती, पर कोई नहीं, बहुत जल्दी मैं 4000 सब्सक्राइबर्स अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँगी, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरे चैनल को इतना आगे बढ़ाने के लिए। और आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई जब मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के नंबर्स की काउंटिंग देखी और आपके सक्सेस की काउंटिंग्स देखी, तो मुझे लगा नहीं, एक वीडियो तो बनता है बनाने का। तो थैंक यू सो मच गाइस, और कल से मेरे वीडियो को देखिए और पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करती हूँ आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने का। तो टिल देन अपना भी ख्याल रखें, ठंड बढ़ रही है, कोशिश करें, पूरा केयर करें अपने आप को, ठंड से बचाएं, और हर परेशानियों को इंजॉय करें, पॉजिटिव रहें। इससे ज़्यादा फ़िलहाल मेरे पास और कुछ नहीं कहने को। आपसे मिलती हूँ तो मेरे अंदर भी एक जोश पैदा हो जाता है। चार बातें मैं अच्छी बोलती हूँ तो वो चार बातें मुझे भी इंडिकेट करती है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। चलिए, घर की घंटी भी बज गई है, लगता कोई आ गया है। मिलते हैं अंतराल के बाद, कल से वीडियोज़ आपके लिए अनवरत। बाय बाय।